हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MX Styles एंड Marvel Fitting पर। आज हम आपको बताएंगे कि हम कौन से ब्लेड से क्या चीज कटिंग करते हैं, मार्वल किस ब्लेड से कटिंग करते हैं, ग्रेनाइट टाइल्स और लकड़ी और सरिया हम किस ब्लेड से कटिंग करते हैं, सारी जानकारी देंगे। जैसे हमारे पास ये ब्लेड है हम इसकी जानकारी देंगे किस तरीके से कौन सा ब्लेड हमें यूज करना चाहिए। हम अगर मार्वल यूज काटते हैं तो फिर हमें उसमें कौन सा ब्लेड यूज करना चाहिए, कई कंपनियां होती हैं जो ब्लेड बनाती हैं। ब्लेड का आपको रेफर अलग मिल सकता है, कलर भी अलग हो जाएगा आपका ब्लेड का। जो ब्लेड का जो डायमंड होता है ऊपर की साइड होती है, किसी में कट होता है, कोई प्लेन होता है, कोई पतला, कोई मोटा, ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे मार्वल या हमारा कोई भी ग्रेनाइट है या लकड़ी या आयरन किसी को भी काटने के लिए ये चीज़ देखी जाती है, हमारा कौन सा ब्लेड क्या काम का है ये चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर आपके यहाँ पर इस मेकअप ब्लेड मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे पास ब्लेड हैं वो काफ़ी अच्छे ब्लेड हैं। जैसे ये हमारा मास्टर डायमंड ब्लेड है, मैंने इसे ऑफलाइन 100 रुपये में ख़रीदा है, आपको 100 रुपये में मिल जाएगा अगर आपके यहाँ पर इस मेकअप ब्लेड मिलता है। ये काफ़ी अच्छा है मार्वल ग्रेनाइट कोटास्टोन काटने के लिए, इससे बहुत जल्दी कटता है। आप इसे यूज करोगे तो फिर काफ़ी जल्दी कट जाएगा आपका, कितना भी हार्ड मार्बल ग्रेनाइट हो सारा कट जाएगा इसमें। इसमें एक बासर भी मिलता है जो कि आप ग्लेंडर में यूज़ करने के लिए होता है, इसे इस तरीके से इसको बीच में लगा के यूज़ किया जा सकता है। इसका जो डायमंड होता है, जो डायमंड के कड़ होते हैं वो रियल डायमंड नहीं होता है, वो अलग चीज़ होती है। जितने इसके डायमंड में जर्रे होंगे, दाने महीन महीन देखने को आपको मिलेंगे, उतनी ही हमारा ब्लेड जल्दी कटिंग करेगा, वो फास्ट कटिंग करेगा। इससे आप जो हमारे जैसे ये हमारा जो ब्लेड है ये मेन मार्वल और ग्रेनाइट कोटास्टोन के लिए है, इससे आप अगर टाइल्स कटिंग करोगे तो फिर वो झड़ जाएगा, काफ़ी जॉइंट ख़राब हो जाएंगे। इससे जो हमारा मार्वल कटिंग का ब्लेड होता है उससे आप टाइल्स ना काटें। अगर आप टाइल्स काटोगे तो टाइल्स झड़ेगा जॉइंट से, आपके काफ़ी जॉइंट ख़राब हो जाएंगे। इसमें ब्लेड में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, इसकी थिसनेस, इसकी मोटाई। अगर हम एक वीडियो एक ब्लेड पे बनाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम इतनी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि हमारा ब्लेड कौन सा क्या काम का होता है। जैसे ये हमारा नेक्स्ट ब्लेड है, ये हमारा एलिफेंट प्लस है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी देखने के लिए, कितनी इसकी थिसनेस है, कितना क्या चीज़ है। जीरो चिपिंग ब्लेड के नाम से भी सारे ब्लेड मिल जाएंगे, पर ये जीरो चिपिंग ब्लेड है, इससे बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा आपका टाइल्स। अगर आप काटते हो इससे सिरामिक टाइल्स, विट्रीफाइल टाइल्स, अगर आप टाइल्स की कलम कोर बनाते हो तो इससे बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हम तो यही ब्लेड यूज करते हैं, इसके अलावा आप ब्लेड कोई भी यूज़ ना करें, सिर्फ आपकी कंपनी चेंज हो जाए, जो इसके ब्लेड का सेफ है, जिस मॉडल में ये बना है वही चीज़ आपकी होने चाहिए। इस ब्लेड के प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको, 100, 110 इस तरीके से आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा ब्लेड है। नेक्स्ट ब्लेड ये हमारा मास्टर का ब्लेड है जीरो चिपिंग, ये आपको 120 रुपये में मिल जाएगा। इस ब्लेड का हम यूज़ करते हैं कंपोजिट मार्वल, आर्टिफिशियल मार्वल कटिंग करने के लिए। जो हमारी मार्वल बनाई हुई मार्वल होती है उसकी हम कटिंग करते हैं, जिसकी थिसनेस 17-18 mm होती है, उसके लिए ये ब्लेड सबसे बेस्ट है। ये ब्लेड मास्टर का ब्लेड है, इस पर अगर आप देखोगे तो फिर इस पर लिखा है टाइल सिरामिक जीरो चिपिंग। अगर आपकी कंपनी चेंज हो जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको जीरो चिपिंग नाम से लेना होगा ब्लेड। ये जीरो चिपिंग ब्लेड है, इससे आप टाइल्स जो हमारी मोटी थिसनेस के टाइल्स होते हैं 17-18 mm, उस टाइल्सों का हम इस ब्लेड से कटिंग करते हैं, उसके लिए ये ब्लेड काफ़ी अच्छा है, आपकी कटिंग काफ़ी शानदार होगी, बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा आपका मार्वल। ये हमारा नेक्स्ट ब्लेड है, ये मास्टर का ब्लेड है, ये आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें साइड से डायमंड है। इस ब्लेड का हम यूज़ करते हैं मोल्डिंग बनाने में, इससे आपकी मोल्डिंग काफ़ी शानदार बनेगी, और इस पे लिखा है 400 स्क्वायर फुट ग्रेनाइट कटिंग। ये सारी ब्लेडों पे लिखा होता है पर इतनी कटिंग नहीं करता है। हमने इसको 80 रुपये में ख़रीदा है ऑफलाइन, आपको मिल जाएगा। ये गोल शेप की वजह से इससे मोल्डिंग काफ़ी अच्छी बनती है, आप इससे ग्रेनाइट भी कटिंग कर सकते हो, मार्बल भी कटिंग कर सकते हो। ये ब्लेड मोल्डिंग बनाने में काफ़ी अच्छा है, आप इससे कटिंग कर सकते हो, मगर ये मोल्डिंग के लिए है, मोल्डिंग में ये आपका टूटेगा भी नहीं, झड़ेगा भी नहीं। नेक्स्ट ब्लेड ये हमारा लकड़ी का ब्लेड है, लकड़ी काटने का, जिससे हम लकड़ी काटते हैं, चौखट है हमारी गेट की, उस चौक टोक अगर हमें नीचे से कटिंग करना होती है तो फिर हम इसी ब्लेड का यूज़ करते हैं।
ये आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप इसे ग्लेंडर में लगा के यूज़ करते हो तो प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करें, अपनी सेफ्टी के साथ। इस ब्लेड से आप सरिया, लोहा, आयरन, एल्युमिनियम कोई भी कटिंग कर सकते हो, कोई भी धातु हो आप इससे कटिंग कर सकते हो। ये काफ़ी मुलायम होता है, अगर आप इसे 20 से तोड़ना चाहेंगे तो फिर ये टूट जाएगा। ये आपको मार्केट में 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप इसे यूज़ करें तो सेफ्टी और प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करें, क्योंकि ये टूट जाता है, काफ़ी लोगों के लग भी चुकी है इससे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।